हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर के बारे में बात करूंगी। पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर एक तरह का घाव जो खाने की नली, पेट या छोटी आंत में विकसित होता है। अल्सर छाले तब होते हैं जब पेट का एसिड पाचन तंत्र की लेयर को नुकसान पहुंचाता है। यह पेप्टिक अल्सर जो है वो एच पायलोरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर पेन किलर्स जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं अगर अपनी लाइफ स्टाइल में, जैसे एस्पिरिन हो गया या अदर पेन किलर्स अगर हम डेली डाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो भी पेप्टिक अल्सर या स्टमक अल्सर होने के आसार ज़्यादा रहते हैं। इसमें कि आप लोगों को क्या डाइट फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो आज उस पर बात कर लेते हैं। इसमें हेल्पफुल हो सकते हैं कर्ड, दही, लीफी ग्रीन्स, वेजिटेबल्स। और आपको क्या नहीं खाना है इसमें, अल्कोहल, चाय, सोडा और नींबू, संतरा या फिर सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, टमाटर, फ्राइड एंड फैटी फूड्स नहीं खाने हैं, स्पाइसी फूड्स नहीं खाने हैं। और ज़्यादा देर का आपको खाली पेट भी नहीं रहना है, क्योंकि ज़्यादा देर खाली पेट रहेंगे तो एसिड ज़्यादा बनेगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहिए।